प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में जो हमारे इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है टेंस, और टेंस में भी सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है वर्ब, जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब है, जो क्रिया है, उस पर हमने चर्चा की। और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि वर्ब क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, वर्ब का क्या काम है, और ये कितनी प्रकार की होती हैं और उनकी फॉर्म अलग अलग कैसे बनती हैं, ये हमने देखा था। अगर आप वर्ब के ऊपर ये वीडियो है पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप पहले वाले जो दो वीडियो जो हमारे वर्ब के ऊपर हैं आप उनको अवश्य देखें। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, क्योंकि कल हमने पिछले वाले वीडियो में हमने 100 के आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे वर्ब हैं उन पे हमने चर्चा की, और आज हम ऐसी 100 और जो महत्वपूर्ण जो वर्ब्स हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इनफॉर्म, इनफॉर्म, तो इनफॉर्म यानी सूचना देना, इनफॉर्म यानी सूचना देना। तो ये हमारे आम जीवन में खूब काम में आने वाला शब्द है, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन पुलिस में भी दर्ज होती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इन्फॉर्म से बना इंफॉर्मेशन, इंप्रूव सुधार करना, इंप्रूव यानी सुधार करना। हम बोलते हैं ना उसने अपनी पढ़ाई में बड़ा इंप्रूवमेंट किया है, उसने अपनी पढ़ाई में बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। इंजर, इंजर यानी घायल होना, इंजर यानी घायल होना। थ्री पर्सन्स इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट, थ्री पर्सन्स इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट। इंस्पायर, हमारी गवर्नमेंट भी जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं उन्हें इंस्पायर अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड देती है? इंस्पायर अवार्ड, यानी प्रेरणा पुरस्कार। तो इंस्पायर का मतलब क्या हुआ? प्रेरित करना, प्रेरणा देना, इंस्पायर। इंसल्ट तो आप जानते ही है, कई बार बातों बातों में किसी की इंसल्ट आ जाती है, तो इंसल्ट यानी अनदेखी करना, किसी की बेइज्जत करना, तो हम यहां लिखते हैं बेइज्जत करना, इंसल्ट यानी बेइज्जत करना। ये देखिए, इंट्रोड्यूस, जब भी हमें कोई नया व्यक्ति मिलता है तो हम एक दूसरे का क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस से बना शब्द है, जिसका अर्थ है परिचय देना, परिचय देना। इन्वेंट, जैसे हम कहें थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इन्वेंटेड भी आविष्कार करना, नए नए इन्वेंट होते रहते हैं हमेशा, तो इन्वेंट यानी आविष्कार करना। इनवाइट, बड़ा एक कॉमन शब्द है हमारे समाज के जीवन में काम आता है। इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र, इनवाइट किया शादी में ऐसे हम बोलते हैं। तो इन्वाइट यानी आमंत्रण करना या आमंत्रण देना। ज्वाइन, जैसे सोशल मीडिया में भी हमें एक दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, किसी ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन यानी शामिल होना, ज्वाइन यानी शामिल होना। और जंप से तो आप जानते ही हैं, जंप यानी कूदना, जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऊंचा, हाई जंप यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप लंबी कूद। कीप, कीपिंग रखना, इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो कैप्ट होती है। क्या होती है? कैप्ट, कैप्ट यानी रखना। आई प्लेस्ड द मार्कर ऑन द पाम, मैंने हथेली पर मार्कर को रख दिया। किडनैप, किडनैप मीन अपहरण करना, ये हम अखबार वगैरह में सुनते रहते हैं कि उसका किडनैप हो गया। रावण किडनैप्ड सीता, रावण किडनैप्ड सीता। किल, मारना, किल यानी मारना। नोक,
खटखटाना, नोक यानी खटखटाना, नोकिंग खटखटाना, नो यानी जानना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो न्यू और नॉन होती है। क्या होती है? न्यू और नॉन होती है। नो यानी जानना और इसी से अच्छा शब्द बना है नॉलेज, नो से बना है नॉलेज जानकारी। लाफ यानी हंसना, लाफ यानी हंसना, लाफिंग, सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, सी इज लाफिंग। लीड बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग है, लीड यानी नेतृत्व करना, लीड से बना लीडर, लीड से क्या बना लीडर, नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। लर्न, लर्निंग इंग्लिश सीखना, लर्न यानी सीखना। लीव, लीव यानी छोड़ना। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट। एक देखिए हमारी ऐसी मीनिंग है लिव, ध्यान से सुने, नीचे वाली है लिव, ऊपर वाली है लीव, लीव, लिव, लीव, तो थोड़ा ध्यान दे। लिव यानी रहना, लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, किसी वस्तु का हम उठाते हैं तो उसको लिफ्ट बोलते हैं। लाइक पसंद करना, जैसे आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पसंद करना। लिसन यानी सुनना, और कल हमने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा की, हियर यानी भी सुनना। मैक यानी बनाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैड, जैसे होता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो मैड बनाना। मैनेज, जैसे बैंकों में होता है मैनेजर, बैंकों में क्या होता है मैनेजर, तो वह व्यवस्था करता है, तो मैनेज यानी प्रबंध करना, प्रबंध करना। और ये देखिए मैरी, मैरी मीन शादी करना, जैसे मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी होता है ना मैरिज गार्डन, इस प्रकार से मीनिंग होते हैं हमारे। मीट यानी मिलना, मीट यानी मिलना, मिलकर कोई लोग मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं मीटिंग, तो मीट यानी क्या हुआ मिलना। मिस्टेक, हम बहुत सारे जीवन में बोलते हैं कि भाई मिस्टेक हो गया, इस प्रकार से मिस्टेक यानी गलती करना, मिस्टेक यानी गलती करना। मूव, मूव यानी हिलना, मूव से होता है मूवमेंट, आंदोलन, जब हलचल हो जाती है देश में मूवमेंट हो जाता है, आंदोलन हो जाता है। और मर्डर आप जानते ही हैं, हत्या करना, मर्डर यानी हत्या करना। नीड, हमारा एक मॉडल भी है नीड, नीड यानी आवश्यकता होना, आवश्यकता होना। वी नीड अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, वी नीड अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, हमें बारिश की ऋतु में छाते की आवश्यकता है। नोटिस, हमारे स्कूलों में क्या होता है, नोटिस बोर्ड होता है या कोई किसी को नोटिस दे देता है, तो नोटिस यानी सूचना देना या सूचित करना। ओबे, जब हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो हम यूज करते हैं ओबीडेंटली, आज्ञाकारी शिष्य, तो ओबीडेंटली यानी आज्ञा मानने वाला, तो ओबे यानी आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। ऑब्जेक्ट, वैसे जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना। ओकुपाई, ओकुपाई, ओकुपाई होता है अधिकार करना,
अधिकार करना या अधिकृत करना, किसी जगह को कोई दूसरा आदमी उस पर अधिकार कर लेता है, उसको अधिकृत कर लेता है, तो वो होता है ओकुपाई। प्रूव, प्रूव से बस पता ही चलता है कि कोई चीज प्रूव करना, प्रूव यानी सिद्ध करना। प्रूव यानी सिद्ध करना। ओपन, खोलना, ओपन यानी खोलना। ऑर्डर यानी आदेश देना, आदेश देना। ऑर्डर का अपोजिट क्या हो गया? ओबे। पास, गुजरना, उत्तीर्ण होना। पास यानी गुजरना, उत्तीर्ण होना। पे, पे यानी पे से होता पेटीएम, पेमेंट। तो पे यानी चुकाना, भुगतान करना, किसी के पैसे तो चुका देना, उसको भुगतान करना। परमिट, परमिट से बना शब्द परमिशन, परमिट, परमिट या परमिशन, अनुमति देना, अनुमति देना। प्लांट, प्लांट के कई मीनिंग होते हैं। कुछ प्लांट यानी पौधा, एक कोई बड़ी फैक्ट्री होती है उसे भी प्लांट कहते हैं, और एक प्लांट का होता था पौधे रोपना। तो प्लांट यानी पौधे लगाना। राम इज प्लांटिंग इन गार्डन, राम इज प्लांटिंग इन गार्डन। और प्ले का आप जानते ही हैं, प्ले यानी खेलना। प्लीज, प्लीज हमारा एक अलग शब्द ही होता है जिसका अर्थ होता है कृपया, और स्पेलिंग सेम वही होती है। उस समय वो एक एडवर्ब होता है और इस समय ये वर्ब है। तो प्लीज का अर्थ होता है खुश करना, प्लीज यानी खुश करना। तो ये ध्यान रखें, जो प्लीज यानी जो कृपया होता है उसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रेज, प्रेज यानी प्रशंसा करना। एक हमने पिछले वीडियो में देखा एडमायर यानी भी प्रशंसा करना होता है, एडमायर यानी प्रशंसा करना। प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रे यानी प्रार्थना करना। अपने स्कूल में हम हर रोज सुबह सुबह क्या करते हैं? प्रेयर, प्रार्थना करते हैं। प्रिडिक्ट, क्या हुआ? प्रिडिक्ट, इसमें देखो प्री लगा हुआ, पहले क्या लगा हुआ? प्री, प्री यानी पहले, और डिक्ट यानी बता देना, पहले ही बता देना, यानी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट। प्रोड्यूस, जैसे फिल्मों में क्या होता है? प्रोड्यूसर, निर्माता। कंपनियों में क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना, कोई चीज बनाना, उत्पन्न करना, निर्माण करना, बनाना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट होता है, जैसे इसे बना शब्द प्रोटेक्शन, सुरक्षा। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तो प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना। पब्लिश, पब्लिश यानी प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। कोई नई किताब या नई कहानियों की किताब या कोई नया काव्य, कोई उपन्यास जब छपता है, नया प्रकाशित होता है, तो हम उसे बोलते हैं पब्लिश करना, पब्लिकेशन, पब्लिशर। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे होते हैं। तो आज हमने बहुत सारी जो 50 हमारे जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं वो देखे हैं, अब हम 50 और महत्वपूर्ण वाक्य हैं वो हम देखते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अभी आपके ये बहुत काम आने वाले हैं, और आप अपनी नोटबुक में इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, ताकि ये याद हो जाए। या आप वीडियो को भी 2-3 बार देख के, बार बार इनका दोबारा अभ्यास करके आप इनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, और कंठस्थ इनको याद कर सकते हैं। और हमारे जो वर्ब्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, पनिश, पनिश से पनिशमेंट, कि उसे स्कूल में काम होमवर्क न होने की वजह से उसे स्कूल में क्या मिला? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या हुआ? सजा देना। पनिशमेंट यानी सजा देना। परचेज, परचेज यानी खरीदना, परचेजर, खरीदा। एक इसका और भी अर्थ होता है, हमने पहले भी देखा था, बाई,
बाय में क्या होता है खरीदना, तो परचेज या बाय यानी खरीदना, उस धक्का मारना, धक्का मार। जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो जो स्लाइड वाले जो शीशे लगे हुए होते हैं ऑफिसों में उस पे लिखा होता पुश या पुल, पुश यानी धक्का मारना और पुल यानी खींचना, तो अभी हम यही देख लेते हैं पुल यानी धक्का मारना। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लेंगे हम पुल यानी धक्का मारना खींचना, तो पुट यानी रखना। अभी हमने देखा था कीप यानी भी क्या होता है रखना, कीप यानी भी रखना और पुट यानी भी रखना। प्यूरीफायर, प्यूरीफाई, जैसे हमारे पानी साफ करने के लिए होता है वाटर प्यूरीफायर, क्या होता है पानी साफ करने के लिए वाटर प्यूरीफायर, तो प्यूरीफाई शुद्ध करना, प्यूरीफाई यानी शुद्ध करना। ये देखिए क्वेरल झगड़ना, क्वेरल यानी झगड़ना। द सन, द सन्स ऑफ फार्मर वर ऑलवेज क्वेरलिंग, किसान के पुत्र हमेशा झगड़ते रहते थे। क्विट, क्विट यानी छोड़ना, अभी हमने देखा था लीव यानी भी छोड़ना, तो क्विट यानी भी छोड़ना। हमारे देश में एक आंदोलन चला था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। रेन आप जानते हैं, रेन, रेनबो, रेनफॉल, तो रेनबो यानी वर्षा होना, जैसे रेनबो पानी से, जो बारिश के पानी से बनती है इंद्रधनुष, रेनबो भी रेनफॉल पानी का गिरना। रेज, रेज यानी उठाना। हमारी क्लास में जब कोई अध्यापक प्रश्न पूछता है तो वो कहते हैं कि जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आता है वो अपने हाथ को ऊपर रेज करें, रेज यानी उठाएं, तो उठाना। रीच, पहुंचना, रीच यानी पहुंचना। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था एक मीनिंग और होती है हमारी पहुंचना की, अराइव, अराइव यानी पहुंचना। रीड यानी पढ़ना, एक होता टीचर ने पढ़ाना, तो टीचर ने पढ़ाना, रीड यानी पढ़ना, और स्टडी यानी अध्ययन करना। कॉल यानी होता पुकारना, और रिकॉल, री, रिकॉल दोबारा याद दिलाना, दोबारा याद आना या याद दिलाना। कोई चीज हमारे दिमाग में चली जाती है वो याद नहीं आती तो उसको रिकॉल करते हैं। रिसीव, प्राप्त करना, रिसीव यानी प्राप्त करना। कल हमने देखा था कि गेट यानी प्राप्त करना, फाइंड यानी प्राप्त करना, अटेन यानी प्राप्त करना, तो कई मीनिंग हमारे पास प्राप्त करने की होती है। रिकॉर्ड, आप जानते हैं रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड का मतलब होता है जमा करना, कोई भी चीज रिकॉर्ड में जमा हो जाती है ऐसे बोलते हैं, उसको दर्ज करना, जमा करना, सुरक्षित रखना, कई अर्थ इसके होते हैं। रिड्यूस, कम करना, रिड्यूस यानी कम करना, जैसे कभी टैक्स में कमी कर दी जाती है तो रिड्यूशन। रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी सुधार करना, अभी हमने देखा था कि इम्प्रूव यानी भी सुधार करना, लेकिन ये सामाजिक सुधार के लिए मीनिंग आती है, जैसे दयानंद सरस्वती वाज ए सोशल रिफॉर्मर, दयानंद सरस्वती एक सामाजिक सुधारक थे, तो सुधारना, समाज को सुधारना। कोई आदमी बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद वो दोबारा रिकवर हो जाता है, दोबारा वो बीमार होने के बाद दवाई लेने के बाद वो क्या हो जाता है रिकवर, तो रिकवर का मतलब होता है पुनः स्थिति में आना, पुनः पुरानी स्थिति में आना, यानी बीमारी से रिकवर होना। रिफ्यूज, मना करना, इनकार कर देना, मना करना। रिजेक्ट, कोई चीज क्या होती है कई बार रिजेक्ट कर दी जाती है, तो रिजेक्ट यानी, रिजेक्ट यानी क्या हुआ अस्वीकार करना, अस्वीकार।
करना, रिलीज, नई फिल्म को रिलीज होती है, नया कोई चैनल रिलीज होता है, नई कोई बुक रिलीज होती है, तो रिलीज यानी जारी करना, रिलीज यानी जारी करना। रिमांड, अपराधियों को पुलिस कई बार रिमांड पर लेती है, किस पे लेती है, रिमांड, तो रिमांड पर लेना मतलब हिरासत में भेजना, हिरासत में भेजना, जेल में भेजना मतलब हिरासत में भेजना, रिमांड लेना। रिमेंबर, रिमेंबर याद करना, रिमेंबर यानी याद करना। रिमाइंड, इसका अर्थ भी याद करना। रिकॉल का क्या होता है, दोबारा याद करना, रिमेंबर याद करना, भूल जाता है तो दोबारा याद करता है और इसको आगे के लिए याद करता है, थोड़ा ध्यान दें। रिमूव, हटा देना, हटा देना, सोशल मीडिया में काफी काम आने वाला शब्द है रिमूव, कि उसको रिमूव कर दिया वहां से, हटा दिया। रिपेयर, रिपेयर यानी सुधारना, कोई तकनीकी खामी आ जाती है कोई किसी इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको मैकेनिक से क्या करवाते हैं, रिपेयर। रिप्लाई, जब हमारे पास सोशल मीडिया में कोई मैसेज आता है, कोई कमेंट आता है, तो हम उसका क्या करते हैं, रिप्लाई, जवाब देना, जवाब देना। और पुल यानी खींचना। राइज, जैसे सनराइज, सूर्योदय, उदय होना, उदय होना। राइड, राइड यानी सवारी करना, राइड यानी सवारी करना। राम इज राइडिंग ए हॉर्स, वो एक घोड़े की सवारी कर रहा है। रन यानी दौड़ना। रिंग, बजाना या बजना, हमारे फोन में घंटी बजती है या बजाते हैं तो रिंग बोलते हैं। सी यानी देखना, एक होता लुक यानी देखना, एक होता वॉच यानी देखना। सेल, सेलर, कैप सेलर होता ना, कैप सेलर टोपी बेचने वाला, तो सेल यानी बेचना। और सेल का अपोजिट क्या हुआ, परचेज या बाई। सिक, ढूंढना, सिक यानी ढूंढना, तलाश करना। हमारे खेल होता है लुका छिपी, लुका छिपी, उसे बोलते हैं सिक एंड हाइड। क्या बोलते हैं, सिक एंड हाइड, सिक एंड ढूंढना, हाइड में छिपना। सेंड यानी भेजना, सोशल मीडिया में ये भी काम आने वाला शब्द है, सेंड यानी भेजना। सेक, हिलाना, कई बार जब हम कोई दवाई लाते हैं, कोई मेडिसिन लाते हैं, तो उसकी बोतल पे लिखा होता है सेक बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले बोतल को हिलाएं, क्योंकि दवाइयां हैं वो जम जाती हैं, तो वहां लिखा होता है सेक बिफोर यूज। साइन, सन साइन, ब्लैक साइन, इस प्रकार से हमारे होता है मीनिंग। साइन यानी चमकना, साइन यानी चमकना। शूट, गोली मारना, शूट यानी गोली मारना। शो, दिखाना, शो यानी दिखाना, जैसे मैजिक शो, मैजिक शो जादू दिखाना। सट, सट यानी बंद करना, जैसे होता है शटडाउन, शटडाउन बंद करना। एक हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, क्लोज यानी भी बंद करना होता है। सिंग यानी गाना, गीत गाना। सिंगर, लता मंगेशकर इज ए ग्रेट सिंगर, लता मंगेशकर एक महान गायिका है। सिंग यानी गाना। स्लीप यानी सोना, स्लीप यानी सोना। सिंक यानी डूबना,
सिंक यानी क्या होता है? डूबना। हैवी थिंग्स सिंक इन द वॉटर, भारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। और ये देखिए मैंने स्लिप को दो बार लिख दिया यहाँ पे, तो हम ये देख लेते हैं सिंक यानी डूबना होता है, तो तैरना क्या होता है? फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना। एक देखिए हमारी स्विम यानी भी तैरना होता है, फ्लोट यानी तैरना, स्विम यानी तैरना, दोनों में फर्क क्या है? जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, कोई मर्त वस्तु या निर्जीव वस्तु, तो उसको फ्लोट बोलते हैं, और सजीव वस्तु जो पानी में तैरता है, कोई व्यक्ति आदमी तैरता है पानी के अंदर तैरता है, मछली तैरती है, तो उसको स्विमिंग बोलते हैं। स्मेल, स्मेल यानी सूंघना, कई बार बोलते हैं ना कि यहाँ बैड स्मेल आ रही है। स्पीक बोलना, स्पीक यानी बोलना, स्पीक से बना स्पीकर, जो हमारे म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें जो स्पीकर होते हैं वो बोलने के काम आते हैं। स्पेंड पैसा खर्च करना, स्पेंड यानी पैसा खर्च करना, कि उसने अपनी फॉरेन टूर में बहुत सारा पैसा खर्च किया। स्प्रेड यानी फैलाना, इसे मिलता जुलता शब्द है स्प्रे, स्प्रे करना, स्प्रेड करना, फैलाना। स्टैंड आप जानते हैं, बोलते हैं ना स्टैंड अप, खड़े होना। स्टील चोरी करना, स्टील यानी चोरी करना। स्टडी अध्ययन करना, स्टडी यानी अध्ययन करना। स्वीप, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्वीप यानी क्या होता है? झाड़ू लगाना, जैसे स्वीपर झाड़ू को बोलते हैं, स्वीपर से यानी कहना। सेटिस्फाई, कई बार बोलते हैं कि ग्राहक की संतुष्टि बहुत जरूरी है, ग्राहक का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, तो सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। स्क्रीम चिल्लाना, स्क्रीम यानी चिल्लाना। अभी हमने चिल्लाना की और भी मीनिंग देखी थी, एक देखी थी हमने क्राई, क्राई यानी चिल्लाना, और एक और है हमारे पास SHOUT साउट यानी चिल्लाना। सर्च यानी तलाश करना, सर्च यानी तलाश करना। वोट करो, करो सर्च वोटर हियर एंड दियर, कोई ने इधर उधर पानी की तलाश की, जैसे हम कंप्यूटर पे इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं। सेलेक्ट यानी चुनना, हमारे पास कई चीजें होती हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन करना होता है, तो सेलेक्ट यानी चुनना। साइन हस्ताक्षर करना, साइन यानी हस्ताक्षर करना, जैसे साइन से मीनिंग बनी है सिग्नेचर, साइन से क्या मीनिंग बनती है? सिग्नेचर, हस्ताक्षर। तो अभी हमने और बहुत सारे वर्ब्स देखे हैं जो कि हमारी इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वीडियो हमारी इंग्लिश का ऐसा वीडियो है जिसे किसी भी हालत में हम मिस नहीं कर सकते। अभी हम और थोड़ी सी हमारी जो वर्ब्स हैं वो बच चुकी हैं, तो अभी हम उनको देखते हैं। हम और वर्ब देख लेते हैं। सिट, सिट यानी बैठना, जैसे अभी हम कहा जाता है सिट डाउन, सिट डाउन, सिट यानी बैठना। स्माइल मुस्कुराना, स्माइल यानी मुस्कुराना, सॉरी मुस्कुराना, मुस्कुराना नहीं मुस्कुराना। स्टार्ट, स्टार्ट आप जानते हैं गाड़ी में हमारे एक स्टार्टर होता है, स्टार्ट शुरू करने का काम आता है, तो जहां पर भी स्टार्ट का बटन होता है वो स्टार्ट करने के काम आता है, तो स्टार्ट यानी शुरू करना। एक आपने पहले देखा था कि बिगिन, बिगिन यानी क्या होता है? शुरू करना। स्टे यानी
ठहरना, स्टे यानी ठहरना, स्टॉप यानी रुकना। अब देखिए दो मीनिंग है, स्टे यानी ठहरना, स्टॉप एंड रुकना, दोनों में क्या फर्क है। रेलगाड़ी का क्या होता है, स्टेशन होता है, क्या होता है स्टेशन, वो स्टे से बना है, स्टे से बना है स्टेशन। और बस का क्या होता है, स्टैंड होता है। तो कभी भी हम ऐसे नहीं कहते कि रेलवे स्टैंड, हम बोलते हैं बस स्टैंड। रेलवे का क्या होता है, स्टेशन, बस स्टेशन ही बोला जाता है, बस स्टैंड बोला जाता है। तो देखिए ठहरना का मतलब होता है कि थोड़ी समय के लिए ठहरना, व्यक्ति चल रहा है थोड़ा बीच में रुक गया फिर वापिस चल पड़ा। और स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, फिर वो आगे काफी समय बाद चलेगा। सफर, सफर यानी पीड़ित होना, सफर यानी पीड़ित होना। जैसे हम कहें होल द वर्ल्ड इज सफरिंग ऑफ COVID-19 और कोलेरा, सॉरी कोरोना वायरस, होल वर्ल्ड इज सफरिंग ऑफ COVID-19 और कोरोना वायरस। सजेस्ट, सुझाव देना, सजेस्ट यानी सुझाव देना। सप्लाई, जैसे दूध की सप्लाई, पानी की सप्लाई, आपूर्ति करना, आपूर्ति करना, दूध की सप्लाई, गैस की सप्लाई, इस प्रकार से। स्विंग यानी झूलना, झूले पर झूलना, स्विंग। टेक यानी लेना, और थैंक यानी धन्यवाद देना, थैंक यानी धन्यवाद देना। तो टेक यानी लेना, सॉरी यहां पर टेक नहीं है, यहां पर है टोक, यहां पे क्या है टोक, टोक यानी बात करना। हमारे मोबाइल में होता टोक टाइम, बात करने का समय, टोक टाइम, टोक यानी बात करना, थैंक यानी धन्यवाद देना, टेक यानी लेना, इसका अपोजिट हो जाएगा गिव, गिव यानी देना। टीच पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना, इसी से बना है मीनिंग, टीच से टीचर पढ़ाने वाला। टियर, टियर यानी फाड़ना, टियर मीन फाड़ना। टेल बताना, टेल यानी बताना। थिंक यानी सोचना, थिंक यानी सोचना। कई बार हम कहते हैं ना कि उसकी थिंकिंग बहुत बढ़िया है, उसकी सोच बहुत बढ़िया है, थिंकिंग सोच। थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, बॉल को थ्रो करते हैं। टीज चिढ़ाना, टीज यानी चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, कई अर्थ होते हैं टीज यानी चिढ़ाना। टाई यानी बांधना, हमारे गले में जो टाई होती है उसको हम बांधे, उसको बांधा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं टाई, और टाई यानी बांधना। और इसके यू ना लगा देंगे अनटाई तो खोलना हो जाएगा। टॉर्चर, टॉर्चर, कई बार हम खबरों में ऐसा देखते हैं कि उसको जेल में टॉर्चर किया गया, उसको बहुत टॉर्चर किया गया। तो टॉर्चर यानी परेशान करना, प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना। दुख देना, कई अर्थ होते हैं उसके। ट्रेड, जैसे होता है ट्रेडिंग कंपनी, हमारे होता ना एक ट्रेडिंग कंपनी, तो ट्रेड यानी व्यापार करना, ट्रेड यानी व्यापार करना। ट्रांसफर, कई बार ट्रांसफर हो जाता है एक चीज का दूसरी जगह, एक चीज को दूसरी जगह उसको हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो हस्तांतरित, हस्तांतरित करना। ट्रांसफॉर्म, हमारे बिजली में इलेक्ट्रिक लाइट में एक होता है ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, जो हमारी एसी लाइट को डीसी में और डीसी लाइट को एसी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, ट्रांसफॉर्म यानी बदलना। ये देखिए ट्रांसपोर्ट, हमारे देश में माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है माल, ट्रांसपोर्ट।
यातायात, यातायात करना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रेवल यानी यात्रा करना, और यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? ट्रेवलर। क्या कहते हैं? ट्रेवलर। ट्रीट, ट्रीट यानी व्यवहार करना। ट्रीट यानी व्यवहार करना, एक ट्रीट यानी उपचार करना भी होता है, जैसे डॉक्टर ने उसका क्या किया, उसका ट्रीटमेंट किया। ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राई यानी कोशिश करना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, जैसे कोई अगर गलत समझ लेता है तो हम क्या कहते हैं? मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना। समझना क्या हुआ? अंडरस्टैंड यानी समझना। यूज, प्रयोग में लेना या उपयोग में लेना, उपयोग में लेना, यूज करना से बोलते हैं ना हम लोग। वेकअप, वेकअप टाइम होता है ना, वेकअप टाइम सुबह का उठने का समय, तो क्या हुआ? उठना। वियर, वियर जैसे गर्ल्स वियर, मेंस वियर, इस प्रकार से होता है, तो वियर यानी पहनना। क्या हुआ? पहनना। वीव, वीव यानी बुनना, जैसे कपड़ा बुना जाता है, कोई गलीचा बना जाता है, कोई कारपेट बुना जाता है, तो उसको बोलते हैं वीव, और जो बुनने वाला, जो बुनकर होता है, उसको बोलते हैं वीवर। वीव यानी रोना, वीव यानी रोना, और वीव यानी जीतना, जैसे जो विजेता होता है उसको क्या कहते हैं? विनर। क्या कहते हैं उसको? विनर, विजेता। वॉश यानी धोना, जैसे हमारे घरों में क्या होती है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो धोने के काम आती है। विड्रो, निकालना, जैसे बैंक में दो काम होते हैं, एक होता है डिपॉजिट, एक क्या होता है? डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी जमा करना, और विड्रो, विड्रो यानी निकालना, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हुई है, डिपॉजिट विड्रो। वो यानी टहलना, वो यानी टहलना, जैसे मॉर्निंग वॉक, और वांट यानी चाहना, वांट यानी चाहना। राइट, राइट से बनता राइटर, राइटिंग, हैंड राइटिंग, हम बोलते हैं ना उसकी हैंड राइटिंग तो बड़ी खराब है भाई, तो राइट यानी लिखना, राइट यानी लिखना। वर्क, रे को थोड़ा जोर से नहीं बोला जाता, वर्क नहीं बोला जाता, वर्क, वर्क यानी काम करना, वर्क यानी काम करना। और वेट यानी गीला होना, पानी में कोई चीज गीली हो जाती है तो उसको बोलते हैं वेट। वेड, वेड यानी शादी करना, अभी हमने देखा था पहले मेरी जनी भी क्या होता है? शादी करना, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, तो वेड, वेड यानी शादी करना। वारम, वारम यानी गरम करना, वारम यानी गरम करना। और ये देखिए, वारन ऊपर वाला है वारम, और नीचे वाला है वारन, र न से नल है नीचे वाले में, तो वारन यानी चेतावनी देना, जैसे कोई कहता है ये मेरी लास्ट वार्निंग है, ये मेरी क्या है? लास्ट वार्निंग। और वो चली देखना, अभी हमने देखा था लुक ने देखना, सी ने देखना, वो चनी देखना, वो चनी हाथ की घड़ी भी होता है, और वर्षिप यानी पूजा करना, वर्षिप यानी पूजा करना। तो अभी हमने पिछले वीडियो, दो वीडियो में भी हमने वर्ब पे चर्चा की थी, और आज के वीडियो में भी हमने वर्ब के ऊपर चर्चा की,
और इन तीनों वीडियो में हम लगभग 300 के आसपास जो मुख्य मुख्य हमारी जो वर्ब है जो आपके बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं उन पे हमने चर्चा की। लेकिन केवल चर्चा करने से या वीडियो देखने से ही आपके ये वर्ब याद नहीं होंगी, इनको आप लगातार वीडियो को या दो बार देखिए, दो सप्ताह के बाद फिर देखिए, दो तीन बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपके ये याद होगी। तो आप इनको लगातार देखें और अपने नोटबुक में इनको लिखें और इनके एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा बनाएं। जैसे एक तरीका मैं बताता हूं आपको, देखे जैसे ये है थिंक, तो हम इसका एक तरीका निकाल लेते हैं याद करने का। इसके पहले हम लगाते हैं कीप और थिंक में लगाते हैं हम आई एन जी, तो क्या हो गया कीप थिंकिंग, इसका अर्थ हो गया सोचते रहो। फिर ये देखिए स्माइल, स्माइल है मुस्कुराना, तो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने कपड़े धो रहा है तो हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको एक सेंटेंस सुना देंगे, हमें याद हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा और हम इंग्लिश सीख जाएंगे ऐसे धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं कीप वॉशिंग, धोते रहो, कीप ईटिंग, खाते रहो। इस प्रकार के और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिनके माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, लगातार बोल बोल के याद कर सकते हैं, सुनकर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 300 के आसपास जो वर्ब है उन पे हमने चर्चा की है और ये वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको आप जरूर देखें। धन्यवाद।